आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। शुक्रवार को MCX पर गोल्ड की कीमत 198 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 48,083 रुपए पर बंद हुई। हालांकि शुक्रवार को आई है तेजी, 2021 में सोने के भाव में आई पिछले 6 साल की सबसे बड़ी गिरावट की भरपाई करने के लिए अपर्याप्त थी। गौरतलब है कि 2021 में सोने की कीमत में 4% की गिरावट देखने को मिली है। MCX पर सोने का भाव इस समय 48,000 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कि 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के इसके ऑल टाइम हाई से लगभग 8,000 रुपए नीचे है। कम्युनिटी मार्केट के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समय सोने की कीमतें इसके ऑल टाइम हाई से 8,000 रुपए नीचे दिख रही हैं, और जब भी सोना $1,800 प्रति औंस के नीचे जाता है तब इसमें खरीदारी आती दिखती है। यहाँ तक कि पिछले पखवाड़े के उतार चढ़ाव भरे कारोबार के दौर में भी 1820 से $1,835 की रेंज में आई मुनाफा वसूली के बाद गोल्ड के भाव में जोरदार उछाल आया था। बाजार जानकारों का कहना है कि गोल्ड की कीमतों का रुख फिलहाल हाजिर बाजारों से तय हो रहा है। जानकारों का मानना है कि हाजिर बाजार के भाव से सोने के साइडवेज लेकिन पॉजिटिव रुझान के साथ कारोबार करने के संकेत मिल रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेशकों को इस समय गिरावट में खरीद की रणनीति अपनानी चाहिए। अगले 3 महीनों में इसके भाव $1,880 से $1,900 तक जा सकते हैं। वहीं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता का कहना है कि MCX पर सोने का भाव 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर नजर आ रहा है। इसको 47,500 के ऊपर सपोर्ट है। 47,800 से 47,900 की रेंज शॉर्ट टर्म ट्रेडरों के लिए सोने में खरीदारी करने के लिहाज से सबसे बेहतर रेंज है। सोना जल्द ही 49,300 से लेकर 49,500 रुपए प्रति ग्राम तक दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।